दम उठी है बिगुल बजाए चहूं और ये शोर है तबीब में जो मना रहे वो एक विशाल महानायक 125 फीट का एक महामानव सबसे बड़ा एक महानेता एक अद्भुत मुक्तिदाता इतना बड़ा जूता हाथ में मोटी सी किताब ये मूर्ति अभी बनी भी नहीं है लेकिन देश के सबसे आइकॉनिक पोज को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये मूर्ति विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की होगी। ये तस्वीरें उस महानायक की हैं जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। ये उस मुक्तिदाता के बन रहे स्टैचू की तस्वीरें हैं जो जन्मा तो भारत की मिट्टी में था लेकिन उसकी शोहरत आज सारे जहां के आसमान को नाप रही है। ये तस्वीरें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के उस स्टैचू की हैं जो हैदराबाद में बन रहा है। हुसैन सागर झील के आसपास से गुजरने वाले हर शख्स की आंखें इस महानायक के भव्य निर्माण पर ठहर जाती हैं। तेलंगाना सरकार नए सेक्रेटेरिएट के पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवा रही है। ये भारत में अब तक बनी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। मूर्ति बनाने में तांबे का इस्तेमाल और पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। मूर्तिकारों ने कहा कि बाबा साहब के जूतों के फीतों से लेकर बाबा साहब के कोट की सिलवटों और हाथ में संविधान की किताब से लेकर डॉक्टर अंबेडकर के चेहरे के एक्सप्रेशन तक बहुत ही बारीकी से काम किया गया है ताकि भारत रत्न बाबा साहब का ये स्टैचू देखने वालों की आंखों में हमेशा के लिए बस जाए। इस स्टैचू की खास बात ये भी है कि बाबा साहब के हाथ में जो संविधान दिया जा रहा है उसमें भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी भी होगी। यहाँ तक कि संविधान सभा की बहसों को भी इसके अंदर डाला गया है। यानी 125 फीट के बाबा साहब भारत के असली संविधान को हाथों में लेकर खड़े होंगे और भारत को संविधान के मुताबिक एक समतावादी राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देंगे। तेलंगाना की चंद्रशेखर सरकार ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 125 फीट के स्टैचू पर 147 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार इसे आने वाली 14 अप्रैल यानी बाबा साहब की जयंती पर लॉन्च करने वाली है। करीब 11.5 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 20,000 फीट एरिया में बाबा साहब की मूर्ति के नीचे संसद के आकार में एक म्यूजियम और लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है जहां बाबा साहब की जिंदगी से जुड़ी चीजें दिखाई जाएंगी, जहां ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में भी बाबा साहब की जिंदगी से जुड़ी बातें दिखाई जाएंगी। अगर इस निर्माण की ऊंचाई भी जोड़ दे तो बाबा साहब की इस मूर्ति की कुल लंबाई 175 फीट हो जाएगी। मूर्तिकारों का कहना है कि इस मूर्ति को बनाने का काम मार्च महीने तक पूरा हो जाएगा और इसे आने वाली अंबेडकर जयंती पर लॉन्च किया जा सकेगा। बाबा साहब की मूर्ति बनाने का काम मशहूर मूर्तिकार राम सुतार और उनके बेटे अनिल सुतार को दिया गया है। राम सुतार दुनिया भर में अपने काम के लिए मशहूर हैं। उन्होंने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन भी तैयार किया था। इसके अलावा नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में लगी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम, बहन कुमारी मायावती और अन्य महानायकों की मूर्तियों को भी राम सुतार ने ही बनाया था। यहां तक कि लखनऊ के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में लगी मूर्तियां भी राम सुतार ने ही तैयार की थी। अब बाप बेटे की ये जोड़ी डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू तैयार कर रही है। नोएडा में पत्थरों को तराशा जा रहा है। हर एक हिस्से को पहले नोएडा के स्टूडियो में तैयार किया जाता है और फिर उसे हैदराबाद भेजा जाता है जहां उसे असेंबल किया जाता है। मूर्ति के बीच में स्टेनलेस स्टील का ढांचा तैयार किया गया है ताकि वो किसी भी मौसम की मार को झेल सके और आंधी तूफान के सामने डट कर खड़ा रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूर्ति का चेहरा भी तैयार हो चुका है जिसे टुकड़ों में नोएडा से हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है और जल्द ही पूरी मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। आने वाली 14 अप्रैल को हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर का ये स्टैचू पूरी दुनिया के सामने होगा। सीएम के चंद्रशेखर राव डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के सहारे दलित मतदाताओं को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में पिछले कुछ महीनों से बसपा के आरएस प्रवीण जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनाने वाले को जीत मिलेगी या फिर बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने का दावा करने वाली पार्टी को। लेकिन चुनावी नफे नुकसान के अलावा डॉक्टर अंबेडकर की ये विशालकाय मूर्ति जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े रहने की हिम्मत सदियों तक देती रहेगी।
आपका इस बारे में क्या कहना है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्टैच्यू पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।